तो समुद्र कितना गहरा है? अगर आप जमीन पे सबसे ऊंची चीज माउंट एवरेस्ट को अगर समुद्र में डुबा दो, फिर भी उसकी चोटी से समुद्र की सतह तक लगभग 2 किलोमीटर की गहराई बच जाएगी। इसमें इतना पानी है कि यह आसानी से एक बड़े से क्यूब को फिल कर देगा विद डायमेंशंस ऑफ 1,102 किलोमीटर ऑन ईच साइड। तो आज हम जानेंगे कि समुद्र की एक्चुअल में गहराई कितनी है। तो ये जानने के लिए एक एग्जाम्पल की तौर पे लेते हैं एक ब्लू व्हेल को, जो कि लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ है। ब्लू व्हेल्स यूजुअली शिकार करते हैं 330 से 350 फीट की गहराई में। यहां तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सकती है। थोड़ी और गहराई में नीचे जाते हुए हम पहुंचते हैं उस जगह पे जहां यूएस की सबमरीन ट्राइटन ने 1960 में पहली बार अर्थ के चक्कर लगाए थे। और नीचे 831 फीट में अब तक का इंसान द्वारा किया गया डीपेस्ट फ्री डाइव रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ प्रेशर 26 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑन द सर्फेस, जो ज्यादातर इंसानी फेफड़ों को आसानी से फाड़ सकता है। ब्लू व्हेल्स फिर भी मैनेज करके और नीचे जाते हैं 1,640 फीट तक, जहां वो बड़े स्क्विड्स का शिकार करते हैं। इससे आगे ब्लू व्हेल्स भी नहीं जा सकते क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है। और नीचे 2,400 फीट में हम पहुंचते हैं मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स के डेंजर जोन में। इससे नीचे अगर सबमरीन्स गए तो उनका स्ट्रक्चर इम्प्लोड हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। और थोड़ा नीचे 2,734 फीट में हम पहुंचेंगे जहां वर्ल्ड की टॉलेस्ट इमारत बुर्ज खलीफा का टिप पहुंचेगा। इससे थोड़ा और आगे हम इतनी गहराई में आ गए हैं कि यहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। समुद्र के इस हिस्से को कहते हैं द मिडनाइट जोन। बहुत सारे क्रीचर्स यहां देख नहीं सकते क्योंकि लाइट नहीं है, जैसे कि आईलेस श्रिम्प्स जो 7,500 फीट की गहराई में पाए जाते हैं, और ये अंडर वाटर वोल्केनोस के आसपास रहते हैं क्योंकि गहराई में ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं और ये वोल्केनोस के आसपास हीट ज्यादा होता है, तो लाइफ सस्टेन रह सकती है। और नीचे 9,816 फीट में हम इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं जहां आज तक सिर्फ एक ही मैमल को घूमते हुए देखा गया है, और ये मैमल है द क्यूवियर्स बीग्ड व्हेल। ये भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती जहां तक टाइटैनिक डूबा है। टाइटैनिक 12,500 फीट गहराई में डूबा हुआ है। यहां पे प्रेशर 378 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द सरफेस। फिर भी यहां सी फिशेस जैसे फैंगटूथ, हैगफिश और डम्बो ऑक्टोपस, जो कि डीपेस्ट लिविंग ऑक्टोपस है, वो पाए जाते हैं। फिर 20,000 फीट की गहराई के बाद शुरू हो जाता है द हडाल जोन, जहां वर्ल्ड के कुछ डीपेस्ट ट्रेंचेस पाए जाते हैं जैसे मरियाना ट्रेंच। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डुबा दिया तो हम सिर्फ 29,029 फीट तक ही पहुंचेंगे, जो कि फिर भी कम होगा जहां तक हमारे अब तक के दो क्रूड मिशंस पहुंच पाए हैं। 2012 में डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन 35,756 फीट की गहराई तक पहुंचे उनके डीप सी चैलेंजर मिशन में, बट इन्होंने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जो बनाया गया था बाय ओशियनोग्राफर जैक पिकर्ड और लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने इन 1960। पिकर्ड और वॉल्श पहुंचे टिल द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, जिसे अब कहते हैं चैलेंजर डीप। ये मरियाना ट्रेंच के सदर्न टिप में एक गहरा सा खड्डा है। तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट्स ने इस मिस्टीरियस जगह की स्टडी करने के लिए 10 से 12 अनमैन्ड सबमर्सिबल्स भेजे हैं। एक ऐसा ही सबमर्सिबल है टाइको, जिसने 1995 से 2003 के बीच 350 सी फ्लोर के न्यू स्पीशीज डिस्कवर किए। बट साइंटिस्ट्स ये सोचते हैं कि यहाँ हजारों ऐसे स्पीशीज हो सकते हैं जो हमने अब तक डिस्कवर नहीं किए हैं। समुद्र इतना विशाल है कि हमने सिर्फ अब तक इसकी 5 से 10% ही खोज की है, और बहुत सारे चीजें इसके बारे में अब तक मिस्ट्री रह गए हैं। हमने अभी तो सिर्फ शुरुआत की है हमारे नीचे बहते हुए गहरे और अंधेरे दुनिया को जानने की।